जनवरी का महीना 2023 साल और चुनाव की बरसात। बरसात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने 2023 के तीन चुनावों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव पूर्वोत्तर में ये तीन राज्य हैं, त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय। इन तीन राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ 16 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। दरअसल ये तीनों जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, काफ़ी दूर दराज में यहाँ पे वोटिंग होती है और चुनाव आयोग ने जो इस तारीखों की जो घोषणा की है उसके लिए काफ़ी समय लेके चुनाव कराने की बात कही है। दरअसल इसके पीछे वजह है कि वहाँ का जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे चुनाव कर्मियों को जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेघालय और नागालैंड में है तो गठबंधन की सरकार, यहाँ बीजेपी भी गठबंधन में शामिल है और चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है नागालैंड और मेघालय की, वो वहाँ पे जो वोटिंग होगी वो अलग होगी। वहाँ पे वोटिंग 27 फरवरी को होगी, नतीजे लेकिन 2 मार्च को ही आएंगे। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जैक्ट चुनाव की तारीखों के ऐलान कैसे चुनाव आयोग ने किया है। देखिए, सबसे पहले त्रिपुरा में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने जब ये घोषणा की थी, कर रहे थे चुनाव आयोग के अधिकारी, तो कह रहे थे कि हम CBSE के एग्ज़ाम को देखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं और फरवरी मिड से लेकर मार्च तक CBSE के एग्ज़ाम होने हैं। तो आप देखिए कि त्रिपुरा का जो है नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होगा, वोटिंग 16 फरवरी को और काउंटिंग 2 मार्च को। ठीक वैसे ही मेघालय का 27 फरवरी को वोटिंग और काउंटिंग 2 को, और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को काउंटिंग होगी। दरअसल ये लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। पूर्वोत्तर में बीजेपी पिछले बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी और वहाँ चुनाव जीती थी। त्रिपुरा में तो खास तौर पे बड़ी जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। इस बार भी बीजेपी का इन चुनावों में बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 के अनाउंस हो गया, बाकी 3 लेटर स्टेज में होने हैं, लेटर इस साल के आखिर में। तो उसका भी चुनाव आयोग ऐलान करेगा जल्दी ही। फिलहाल NBT ऑनलाइन पर इतना ही। नमस्कार।